दोस्तों, मैं नैना पटेल आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है एलो प्रोपोलिस क्रीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये फॉरएवर का ही प्रोडक्ट है। और जी हाँ, मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फॉरएवर का नेचुरल चीज़ें बनाती हूँ। और मैं फॉरएवर की कई चीज़ें पिछले साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट मिले, तो मैंने सोचा चलो आज सबके साथ मैं शेयर करूँ। तो ये जो एलो प्रोपोलिस क्रीम है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वो एक मॉइस्चराइजर क्रीम है। हम मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी रहे और हमारी स्किन डैमेज होने से बच जाए, तो इसीलिए हम मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं। तो मॉइस्चराइजर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं और हर स्किन पे हर एक अलग अलग तरीके के मॉइस्चराइजर यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारी स्किन के बारे में बताता, हमारी स्किन ऑयली होती है, ड्राई होती है और एक कुछ सेंसिटिव होती है। तो हर एक अलग अलग कंपनी के हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो फॉरएवर का एलो प्रोपोलिस क्रीम है वो हर स्किन के लिए सूटेबल है। मतलब सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन क्यों ना हो, वो हमारे स्किन के बहुत अच्छे बेनिफिट देगा। तो मतलब आपकी स्किन कोई भी हो, पर कई इंसानों की तो ऐसी स्किन होती है, मतलब गर्मी आई तो ऑयली हो गई, समर आया तो ड्राई हो गई, और मानसून में तो क्या पूछो, क्योंकि मानसून में तो आप बात करते हैं तो हवा नहीं चलती, भेज मतलब भेज वाली सारी चीज़ें होने की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन तब भी ये क्रीम बहुत अच्छा बेनिफिट देती है हमें, हमारे स्किन को मतलब एक बाउंसी हेल्दी रखती है, क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एलोवेरा, तो वो तो हमारी स्किन में मतलब एक वरदान होती है, क्योंकि एलोवेरा तो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, हमारी स्किन में नमी बनाए रखती है, हमारी स्किन में सूजन नहीं आने देती, तो ऐसे बहुत सारे फायदे देती है। सेकेंड नंबर पर आता है प्रोपोलिस। क्या होता है तो ये मधुमक्खी का एक रल होता है। रल यानी कि मधुमक्खियाँ की जो लार होती है, मॉम होती है, और जो वनस्पति की कई सारी चीज़ों को मिलाकर मधुमक्खी रल बनाया जाता है, और वो इसका यूज़ इस क्रीम में किया गया है। और रल का काम क्या होता है, तो रल हमारी स्किन को मतलब हमारी स्किन में कितने भी पुराने जख्म क्यों ना हो, वो मतलब उसके निशान हो ना, वो भर देता है। और हमें कोई चोट लग गई हो, जख्म हो, वो भी भर देता है, मतलब वो हमारी डैमेज से डैमेज स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। इनफैक्ट हमारी स्किन पर जो एक्ने होती है, कई सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्किन मतलब टाइट नहीं होती, तो वहाँ भी ये प्रोपोलिस ही वर्क करती है। मतलब प्रोपोलिस के तो इतने सारे फायदे हैं, क्या पूछो। और प्रोपोलिस जैसा ही उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स है हाइड्रेनिक एसिड। हाइड्रेनिक एसिड तो दिया जाता है जैसे कि लोशन, क्रीम, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रेनिक एसिड का काम भी वही होता है जो डैमेज स्किन को रिपेयर करना, स्किन को खींच कर मतलब टाइट रखना, फिर उसके नमी बनाए रखना, मतलब एक लचीलापन हमारी स्किन में रखता है। तो ये दोनों को एक ही क्रीम में साथ में मिलाया जाए तो मतलब वो बवाल मचा देगा, तो वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि हमारी स्किन और हेयर के लिए कितना अच्छा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है। ग्लिसरीन हमारी स्किन में नमी रखता है, बनाए रखता है, प्लस हमारी स्किन में जो नेचुरल ऑयल होता है ना, उसके लॉक करने में वो मदद करता है। नेक्स्ट लेवल पर आता है विटामिन ई। तो विटामिन ई भी हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन में मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जिससे हमारी स्किन एकदम क्या बताऊँ, वो ताजगी रहती है, हमारी मतलब एक फ्रेशनेस रहती है, और वो हमारी स्किन में वो भी नमी बनाने का काम तो करता ही है, और वो नेचुरल ऑयल बनाता है हमारी स्किन के अंदर से, वो नेचुरल ऑयल बन के बाहर आता है। थर्ड फोर्थ नंबर पर इंग्रेडिएंट्स आता है बी वैक्स का काम क्या होता है। तो बी वैक्स का काम बी वैक्स जैसा ही है, जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, वो हमारे स्किन पर एक प्रोटेक्शन बना देता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे कई कीटाणु होते हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करने के लिए आते हैं, वो हम देख नहीं पाते, लेकिन बी वैक्स की परत उसे दूर से ही भगा देती है, मतलब वो प्रोटेक्ट करती है। तो बी वैक्स हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो भी इसमें है। नेक्स्ट लेवल पर आते हैं नेचुरल, जिसके मैंने पहले भी बताया कि दादी नानियों के ज़माने में वो लोग घर के ही सारी चीज़ों का यूज़ करती थी, मलाई, उबटन या घर में जो ऑयल हो वो, तो नेचुरल ऑयल ऐसे ही कहते हैं, वही ऑयल इस क्रीम में भी है, जो हमारी स्किन में ऑयल की कमी कभी होने ही देगी। तो मतलब वो इतने सारे बेनिफिट हो, अगर हमारे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई जल गया हो, कट गए हो, तब भी हम ये एलो प्रोपोलिस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट नाइट में नाइट क्रीम की जगह आप इसका यूज़ कर सकते, बताओ इतने सारे बेनिफिट है इस क्रीम के, तो कोई बंदा क्यों नहीं यूज़ करेगा। सच बताओ, मैं तो उसकी फैन बन चुकी हूँ, मतलब मुझे अब मॉइस्चराइजर में इसके अलावा और कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। तो डियर, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरे कहने पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच।
और हाँ दोस्तों, अगर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड या फिर फॉरएवर कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो स्किन पे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ जाकर मुझे DM करना, कमेंट में बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फ्री ऑफ गिफ्ट रखा है आपके लिए, प्लीज़ वहाँ चेकआउट कर लेना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।